अब आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है मेजर्स टू करेक्ट डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे आपके कॉजेज़ थे वैसे आपका ये डिसइक्विलिब्रियम है। फर्स्ट पॉइंट है कि अगर आपने एक्सपोर्ट बढ़ाना है और इम्पोर्ट कम करना है ताकि एक बैलेंस बना रहे, तो उसके लिए क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए। पहला उपाय है प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट। कहता है कि भुगतान संतुलन के प्रतिकूल होने के लिए हमें पहले एक्सपोर्ट को बढ़ाना है और इम्पोर्ट को कम करना है। तो अगर हमें एक्सपोर्ट को प्रमोट करना है, उसके लिए सभी जो अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, उन पर टैक्सेस जो लगे हुए हैं उनको हटा देना चाहिए। हमें जो है रॉ मटेरियल या ट्रांसपोर्टेशन की जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं उन पर कम कॉस्ट आए उनकी सब्सिट्यूट्स प्रोडक्ट ढूंढने चाहिए। हमें अपनी हेल्पिंग के लिए बैंकिंग और जितनी भी अदर सब्सिट्यूट्स हैं उनकी हेल्प लेनी चाहिए। फॉरेन में अपने प्रोडक्ट की पब्लिसिटी करनी चाहिए, यानी कि हमारे जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं वो फॉरेन में एक अच्छे रेट पर सेल हो पाए, हमें इसलिए पब्लिसिटी की जानी चाहिए ताकि हमारी एक्सपोर्टिंग को बढ़ावा मिले। सेकंड आता है इंक्रीज इन प्रोडक्शन। कहते हैं देश के आयात कम करने और निर्यात बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी जो कृषि उद्योग है और खानों का उत्पादन है वो बढ़ाया जाए। जैसे कि जूट के सामान, चाय और कॉफ़ी, काफ़ी का महत्व है। इन तीनों के उत्पादन को और अधिक बढ़ाया जाना चाहिए। और भी काफ़ी डिमांड है, मशीनें, बिजली के पंखे, साइकिलें, सिले सिलाई कपड़े, होजरी का सामान, चमड़े का सामान, ज्वारात, इनकी डिमांड्स इंक्रीज़ होनी चाहिए। देश में सीमेंट, खाद, लोहा, इस्पात, चीनी, इन सब की प्रोडक्शन हमें डे बाय डे इंक्रीज़ करनी चाहिए। अब हमारा थर्ड पॉइंट आता है ट्रेड एग्रीमेंट का। देखो ट्रेड एग्रीमेंट क्या है। विदेशों में व्यापार बढ़ाने के लिए हमारी सरकार दूसरे देशों की सरकार के साथ कई तरह के समझौते करती है। और जैसे कि ईरान, इराक, बुल्गारिया, जर्मनी, मिस्र, फ्रांस, इन सब के साथ हम ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं। 15 अप्रैल 1994 को भारत ने भी 124 देशों के साथ गैट समझौते पर सिग्नेचर किए थे, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड के साथ। गैट के बाद WTO आया, उसका मेंबर बन गया इंडिया 163 कंट्री के साथ, फिर SAARC के साथ। इस तरह से हमारे फॉरेन ट्रेड में हमारी एक्सपोर्टिंग बढ़ गई। इनकरेजमेंट टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट, हमें ऐसा काम करना है कि फॉरेन का जो पैसा है वो हमारी इंडिया में आए। तो हमें मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, मल्टीनेशनल इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करने के लिए हमें फॉरेनर को काफ़ी जो है एम्फोसाइज़ करना चाहिए, कि उन्हें बताना चाहिए उसकी इंपॉर्टेंस का, कि वो यहाँ आकर पैसा इन्वेस्ट करें ताकि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ जाए। अट्रैक्शन टू फॉरेन टूरिस्ट, हमें ऐसे ऐसे अट्रैक्टिव पिकनिक स्पॉट्स लगाने चाहिए, इतना पैसा खर्च करना चाहिए कि फॉरेन के जो टूरिस्ट है, जैसे दिसंबर में दिल्ली में प्रगति मैदान लगता है, प्रगति मैदान में सारी चीज़ें हैं, वहाँ पर टूरिस्ट जो है आकर अटेंड करना पसंद करते हैं। तो एक अच्छा सोर्स होता है फॉरेन करेंसी का इंडिया में अट्रैक्ट करने के लिए। डीवैल्यूएशन ऑफ इंडियन करेंसी, डीवैल्यूएशन ये होता है कि किसी देश की मुद्रा का मूल्य दूसरे देशों की मुद्रा की अपेक्षा कम करना, उसको डीवैल्यूएशन कहा जाता है। ये डीवैल्यूएशन में एक्सपोर्ट बढ़ाने का एक अच्छा सोर्स होता है। कहते हैं मान लो कि डीवैल्यूएशन से पहले $1 ₹40 का था और डीवैल्यूएशन के बाद वही डॉलर ₹50 का था। तो इसका मतलब ये है कि विदेशी लोगों के लिए भारतीय उत्पाद तो सस्ते हो गए, क्योंकि मान लो इंडिया में एक प्रोडक्ट ₹1,000 का है, 1,000 को 40 से अगर मैं डिवाइड करती हूँ तो उनको $25 देने पड़ते थे फॉरनर को, और अब उनको 5×20 यानी कि $220 देने पड़ते हैं। तो इसका मतलब फॉरेन में तो वो प्रोडक्ट सस्ता हो गया, लेकिन इंडियंस के लिए वही प्रोडक्ट महंगा हो गया। तो हमें एक ऐसी कंडीशन करनी है कि आपके जो प्राइजेज़ हैं वो कम हो जाए और डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन में इंक्रीज़ हो जाए। इससे फॉरेन की करेंसी हमारी इंडिया में आनी स्टार्ट हो जाएगी, और डीवैल्यूएशन होने की वजह से क्या होगा कि आपकी एक्सपोर्टिंग इंक्रीज़ हो जाएगी प्रोडक्ट की। नेक्स्ट आता है डिफ्लेशन क्या होता है, कीमतों में कमी। कहते हैं देश में उत्पादित वस्तु की कीमतों को कम किया जाए, इसके फलस्वरूप देश के द्वारा की जाने वाली निर्यात वस्तुएं विदेशों को सस्ती प्राप्त हो सके। मतलब आपने रेट इतने मार्जिन से रखने हैं कि आपके जो प्रोडक्ट है वो इजीली रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में सेल हो जाए, इससे आपका इंपोर्ट कम हो जाएगा और एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाएंगे। रिस्ट्रिक्शंस ऑन नॉन असेंशियल इम्पोर्ट्स, कहते हैं अगर आपने बैलेंस ऑफ ट्रेड को, यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड को, पेमेंट को इक्वल बना के रखना है, तो आपको लिखे हो नॉन असेंशियल जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगानी होगी। जैसे लग्जरी आइटम और गोल्ड पर इंपोर्टिंग पर रिस्ट्रिक्शंस लगानी है। केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों पर ही आपने लाइसेंस देना है, कोटा निर्धारित करना है,
नए आयात कर कम करने हैं, पुराने वाले बढ़ाने हैं, तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको रखनी है। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन यही रखना है कि पहले जो हम ख़रीदा करते थे मशीन के इक्विपमेंट वगैरह, ये सब चीज़ें आपने ये कौन करनी है कि हमारी कंट्री में ही वो बन जाए। तो जब हमारे देश में वो बननी स्टार्ट हो जाएगी तो हमारी जो इम्पोर्टिंग है वो कम हो जाएगी और एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाएंगे। सेटिंग अप स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते हैं, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन को हमें बिल्कुल अच्छे तरह से बनाना है। इसमें जितनी भी कस्टम और एक्साइज ड्यूटी है उनको रियायतें देनी है ताकि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बढ़ जाए। लेस कंजप्शन ऑफ क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल का सबसे ज़्यादा हम इम्पोर्ट करते हैं, उनको कम से कम करना है। क्रूड ऑयल के सब्स्टिट्यूट हमने देखना है कि हमारे ऊर्जा के और वैकल्पिक साधन क्या क्या हो सकते हैं ताकि हमारी क्रूड ऑयल की कंजप्शन जो है कम से कम हो। नेक्स्ट आता है लेस कंजप्शन ऑफ गोल्ड, कहते हैं गोल्ड पर सबसे ज़्यादा पैसा जो है लोग खर्च करते हैं, लेकिन हमें उनको ये समझाना पड़ेगा कि गोल्ड पर पैसा आप ना लगा के उसके जो सब्स्टिट्यूट है वो बैंक जमाएँ हैं, निगमित प्रतिभूतियां हैं, सरकारी बॉन्ड है, उन पर पैसा लगा दें। और उनको समझाना होगा कि ताकि डिमांड अगर हमारी कम हो जाएगी तो हम फॉरेन से गोल्ड कम मंगवाएंगे और जो हमारे इंडियंस हैं उन पर पैसा इन्वेस्ट करना ज़्यादा करेंगे। अभी लास्ट टाइम क्या हुआ था, अगस्त 2013 में गवर्नमेंट ने सोने की इम्पोर्ट पर एक्साइज ड्यूट 10% बढ़ा दी थी ताकि लोग गोल्ड पर कम लगाए, लेकिन रीज़न यही है कि लोग जागरूक नहीं है। जागरूक ना होने की वजह से बॉन्ड्स और बैंक डिपॉजिट पर पैसा खर्च करने में थोड़ा डरते हैं, वो गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिसकी वजह से हमारे इम्पोर्ट ज़्यादा हो जाते हैं और एक्सपोर्ट कम हो जाते हैं। तो ये 12 के 12 पॉइंट आपने अच्छी तरह से लर्न करने हैं, लिखने हैं, ताकि आपको ये अच्छी तरह से हो जाए। और इसमें आप इस चैप्टर में से आपका यही क्वेश्चन बनता है कि व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस ऑफ पेमेंट, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड हाउ कैन इट बी करेक्टेड। या फिर आपका ये आ सकता है कि इसके अनफेवरेबल या एडवर्स रहने के क्या कारण हैं, या ये भी आ सकता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या डिफरेंस है। तो आपने इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है। मेरी तरफ से ये दो चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।